कर्नाटक में चल रहा हिजाब को लेकर विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार घिरती दिख रही है। कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, साथ ही जेडीएस के नेता भी इस मामले में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाने का मामला अब पूरे राज्य में राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस और जेडीएस छात्राओं के समर्थन में दिख रही है, तो बीजेपी ने हिजाब पर रोक के फैसले का समर्थन किया है। हिजाब पर रोक लगाने का मामला अब कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही राज्य में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। दरअसल हिजाब पहनने को लेकर जारी विरोध के बीच बीजेपी के प्रदेश इकाई प्रमुख नलिन कुमार कटिल की ओर से विवादित बयान दिया गया है। हिजाब को लेकर कटिल ने कहा, राज्य सरकार तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। क्लासरूम में हिजाब पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने कटिल के बयान का विरोध करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। कांग्रेस विधायक कनीज फातिमा ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए कहा कि वो विधानसभा में भी हिजाब पहनती हैं, कोई रोक कर दिखाए। हम हिजाब के रंग में बदलाव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे पहनना बंद नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। जनता दल सेकुलर के नेता ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिजाब मामले को तूल देकर बीजेपी बहुसंख्यकों के वोट पर नजर लगाए हुए है, लेकिन राज्य में इस तरह की राजनीति की कोई जगह नहीं है। बीजेपी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजाय वो इसे बेटी हटाओ बनाने की कोशिश कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।